कब्जा कर लोगे, यहाँ हर दिन में भारत बसता है। नमस्कार, मैं भवेश कांजानी इस गणतंत्र दिवस पर आप सबके सामने कुछ कहना चाहेंगे। वैसे अगर भारत पर लिखना चाहो तो सागर जितनी स्याही, पेड़ जितनी कलम और आकाश जितना कागज भी कम पड़ जाए। तो आज के भारत की आजादी और गणतंत्र दिवस का मतलब कुछ सीजनल देशभक्तों के नजरिए से दिखाना चाहेंगे। आजादी वही जिसका खुलकर मजा उठाओ, जिधर जगह दिखे वही शुरू हो जाओ और चारों तरफ गंदगी फैलाओ, और भैया असली दुरंधर मिलते हैं यहाँ। रियल इंडिया की फोटो इंस्टाग्राम पर हैशटैग आजादी के साथ चिपकाते हैं। अरे मर्द है हम पर मजबूर भी, पर आंखों को कहाँ रोका जाता है। अरे ये चाइनीज जापानी से जुड़े के लोग इस देश को अपना समझ बैठे हैं। पर भला हो इस देश के सबूतों का जो इनको अपनी औकात दिखा देते हैं। अरे ये पानी खुला है, कुछ भी डराता है, वर्गी का रौब दिखाता है। तो समझे बबुआ क्या है आजादी, समझे तो लाजवाब, ना समझे तो सोच जरा। बलात्कार, अपने आप को मर्द कहता है, खुद को भी घिन आ जाएगी, खुद के अंदर झांक जरा। अरे क्या हुआ जो दिखता है तुझसे अलग सही, जिस देश को तूने बांटा है वो देश है थोड़ा उसका भी। क्यों भूल गए वो बाटला हाउस, वो 26/11 जिसे झुल्ला कहते हो, वहाँ खून बहा था उसका। आजादी और गणतंत्र दिवस का असली मतलब जब समझ आ जाए जरा तभी सीना ठोक के कहना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडा लहराना, ये काफी नई है बदल परिस्थिति के लिए। यादों को नहीं भूलना जो कुर्बान हुए, उनके लफ्जों को आगे बढ़ाना, खुद के लिए नहीं मेरे दोस्त, खुद के लिए नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी वतन के लिए, जिंदगी वतन के लिए। जय हिंद जय भारत।